अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हो रहा है बिल्लो, तो यार आज का हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं काफी ज्यादा रेगुलर हो चुका हूँ अपने इस चैनल पर। यार ज्यादा नहीं, मैं जस्ट 15 दिन के बाद आया हूँ अगेन वीडियो अपलोड करने के लिए, इसलिए कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? हाँ, ये समस्या है, क्या बोलने का? तो यार आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट्सएप को, या फिर मैं यूं कहूं कि व्हाट्सएप की एक न्यू अपडेट को। आई नो कि हमारा चैनल जो है वो कोई अपडेट से रिलेटेड तो है नहीं, हमारा जो फुली चैनल है वो किसी और कैटेगरी से रिलेटेड। अगर आप लोग न्यू है एंड नहीं जानते कि भाई किस कैटेगरी से रिलेटेड हमारा चैनल है, तो क्या करो यार, चैनल को विजिट करो, तभी तो पता चलेगा कि किस कैटेगरी का हमारा चैनल है। खैर बात करते हैं व्हाट्सएप की न्यू अपडेट के बारे में। आप में से बहुत ज्यादा लोगों को ऑलरेडी पता चल चुका होगा, एंड जिन लोगों को नहीं पता, ये वीडियो देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि व्हाट्सएप में कौन सा न्यू फीचर आने वाला है। और अगर इस चीज पर मैं वीडियो बना रहा हूं तो इसमें हमारा क्या फायदा होने वाला है, हमारे सब्सक्राइबर्स का क्या फायदा होने वाला है, वो चीज मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा। तो आज से 2 महीने पहले मैंने व्हाट्सएप पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह से हैकर्स जो है वो आपकी ओटीपी को बाईपास कर सकते हैं। लेकिन वो चीज बहुत ज्यादा सिक्योर इसलिए बन जाती थी क्योंकि एट अ टाइम व्हाट्सएप जो है वो एक डिवाइस पर एक बंदा ही यूज कर सकता है, यानी कि एक टाइम में एक यूजर ही उसे लॉगिन कर सकता है। जैसे ही किसी और ने लॉगिन किया, जो पहला मोबाइल था वहां से वो लॉग आउट हो जाता था व्हाट्सएप का अकाउंट। लेकिन अब जो व्हाट्सएप की न्यू अपडेट आई है उसमें हमारे मार्क जुकरबर्ग भैया ने क्या बोला है, उन्होंने कहा है कि आप एक व्हाट्सएप के अकाउंट को 4 डिवाइसेस पर लॉगिन कर सकते हो। यानी टोटली बात यह बनती है कि सिक्योरिटी पर अच्छा खासा कॉम्प्रोमाइज किया गया है। एंड हम सबको पता है कि जब एक अकाउंट 4 डिवाइसेस पर लॉगिन हो सकता है तो इसका कितना ज्यादा हैकर्स फायदा उठाएंगे। ये अपडेट 25 अप्रैल से लागू होना शुरू हो चुका है एंड कुछ ही देर में आपके अगर डिवाइस में अभी तक नहीं आया तो अपडेट करने के बाद ये आ जाएगा, जिसमें आप अपना अकाउंट 4 डिवाइसेस में लॉगिन कर पाओगे। नॉर्मल व्हाट्सएप में क्या होता था कि हम लोग एक डिवाइस में एक ही अकाउंट लॉगिन कर सकते थे व्हाट्सएप का। फॉर एग्जांपल अगर कोई हैकर ओटीपी आपसे ले भी लेता है एंड लॉगिन कर भी लेता है आपका व्हाट्सएप अकाउंट, तो क्या होगा कि आपके डिवाइस जैसे ही आपका अकाउंट लॉग आउट होगा, आपको उसी टाइम पता चल जाएगा कि किसी और जगह पर लॉगिन हुआ है एंड आपके डिवाइस से लॉग आउट हो चुका है, तो आप दोबारा से उसे लॉगिन कर सकते हो क्योंकि आपके पास नंबर होता है, आप उस पर दोबारा से अकाउंट में ओटीपी ले सकते हो, आपके मोबाइल पर ओटीपी दोबारा आ जाएगा एंड दोबारा से आप लॉग इन कर लोगे एंड हैकर्स के पास से वो एक्सेस चला जाएगा। बट अब जो है वो थोड़ा सा यहां पर गड़बड़ हो सकता है ये चीज। मुझे लगता है कि कोई ना कोई इस चीज में भी इंप्लीमेंट की गई होगी, कोई ना कोई कैटेगरी या कोई ना कोई ऐसी चीज रखी गई होगी कि जहां जहां पर आपका वो जो अकाउंट है लॉगिन होगा वो आपको शायद शो करवाएगा कि इस मोबाइल पर आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हुआ है। क्योंकि अगर ऐसा भी नहीं होता कि आपको शो ना करवाया जाए कि कहां पर आपका व्हाट्सएप का अकाउंट लॉगिन है, तो ये एक काफी ज्यादा डिजास्टर होने वाला है व्हाट्सएप के लिए एंड हैकर्स की तो मोजे लगने वाली हैं भाई, हैकर्स की तो मोजे लगने वाली हैं क्योंकि उनको पता है कि वो किसी ना किसी तरीके से ओटीपी ले लेंगे एंड ओटीपी ले लिया तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। इस चीज पर मैंने एक वीडियो बनाकर रखी हुई है, मैंने जैसा कि स्टार्ट में बोला, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, अब तो वो वीडियो बहुत ज्यादा काम की होने वाली है जब से ये न्यू अपडेट आई है, तो आप लोग उस वीडियो को मस्ट वॉच कर लेना। मैं आप लोगों को ऊपर आई के बटन पर भी लिंक दे रहा हूं एंड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे सारे टूल्स के लिंक, तो आप लोग उन वीडियोस को लाजमी चेकआउट कर लेना। जहां पर मैंने हैकर्स की बात की वहां पर इस अपडेट का कुछ ना कुछ हम लोगों को भी फायदा होने वाला है। काफी ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके पास 2 मोबाइल होते हैं या 3 मोबाइल होते हैं एंड अगर वो किसी एक मोबाइल को साथ ले जाना चाहते हैं लेकिन उनकी व्हाट्सएप जो है वो किसी दूसरे मोबाइल पर है, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि जो मोबाइल वो लेकर जाना चाहते हैं उसमें भी अपना वो व्हाट्सएप का अकाउंट लॉगिन करके ले जा सकते हैं। यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये एक अच्छी अपडेट है उन लोगों के लिए जो कि मल्टीपल मोबाइल्स को यूज करते हैं, और अगर देखा जाए तो ये अच्छी खबर है हैकर्स के लिए भी, और ये बुरी खबर हो सकती है तब उन यूजर्स के लिए जिनका डाटा कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। मार्क जुकरबर्ग इसीलिए फेमस है क्योंकि वो प्राइवेसी पर, लोगों की प्राइवेसी पर कॉम्प्रोमाइज कर लेता है एंड काफी दफा ऐसा हुआ है कि फेसबुक का डाटा लीक हुआ है एंड मुझे लगता है कि अब व्हाट्सएप के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बट ये जस्ट मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूं, आई डोंट नो कि आगे क्या होगा। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, और अगर पहले से नहीं किया हुआ तो यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।